शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो है हम आपकी पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही सुंदर कविता का आनंद लेने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? चलिए, ये जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक की सबसे पहली कविता है। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प चीज बताई गई है। हम जिस पे बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं और जिस पर बैठकर हम दूर दूर तक हवा में उड़ना चाहते हैं, क्या है बच्चों? जी हाँ, वो है झूला, है कि नहीं? तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं, झूला। तो चलिए बच्चों, इस कविता को अब हम पढ़ेंगे। आप ये कविता अपने पुस्तक के पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या 9 पर देख सकते हैं। तो चलो अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब चलिए बच्चों अगले पन्ने पर जाते हैं। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। प्यारे बच्चों, अब हमने कविता पढ़ तो ली और अब हम क्या करेंगे, इसे एक सुंदर सी गीत विधि में गाएंगे। चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं? ओके। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, ले चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। चलिए बच्चों, अब इस कविता को हम फिर से गाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक सुंदर सी किताब है, या हम इसे एक पिटारा भी कह सकते हैं। अब मैं इस पिटारे को खोलने जा रही हूं। देखिए इस पिटारे के बाहर क्या लिखा हुआ है, झूला। क्या लिखा है? झूला। देखिए झूला कैसे होता है, ये खुला पिटारा और ये देखिए इस पर एक लड़की बैठी हुई है और वो झूल रही है। देखिए झूला जो है कैसे बंधा हुआ है, वो पेड़ की डाली से, ये जो डाल होती है ना पेड़ की, उसकी डाल से बांधा जाता है और यहाँ पर बैठने के लिए आपको सुविधा दी जाती है और जिस पर बैठकर आप मजे से झूल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये झूला जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम कविता को फिर से गाने जा रहे हैं, तो चलिए आप और मैं एक साथ इसे फिर से गाएंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, ले चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। कैसी लगी आपको ये कविता बच्चों? अच्छी लगी ना? बहुत ही मजा आया होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सच में झूले में बैठे हैं और झूल रहे हैं। आप भी झूले का आनंद ले सकते हैं अपने घर पर, अपने घर के आसपास में पेड़ होगा तो आप उसमें झूला बांध सकते हैं, बैठ सकते हैं, झूल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कविता पढ़ ली, उसका आनंद ले लिया, गीत विधि से गा भी लिया, अब हम कविता का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों अब कविता का मतलब जान लेते हैं।
तो बालक जो है वो अपनी अम्मा यानी अपनी माँ से क्या कह रहा है, उसे झूले में बैठना है, उसका आनंद ले रहा है, तो वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, देखिए, अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज आप झूला लगा दो यानी पेड़ पर बांधो, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर बैठकर मैं झूलना चाहता हूँ, मुझे झूलना है, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। तो बच्चा क्या कह रहा है, बालक क्या कह रहा है अपनी माँ से कि मैं इस झूले पर चढ़ना चाहता हूँ, इस पर चढ़कर मुझे ऐसे लगता है कि मैं आसमान में पहुंच गया हूँ और आगे बढ़ता हुआ मैं उस पर चढ़ गया हूँ यानी आसमान में पहुंच गया हूँ और उसे छू चुका हूँ। चलिए फिर से देखते हैं, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। तो बच्चा कह रहा है कि अम्मा आज आप झूला लगा दो, मुझे इस झूले पर झूलना है और इसमें बैठकर मुझे ऊपर तक जाना है, ऊपर चढ़ना है और आसमान को छूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। अच्छा, अब उस बालक की अम्मा ने झूला बांध दिया है, अब और वो बालक जो है झूले पर चढ़ चुका है और मजे से झूला झूल रहा है और झूलते वक्त उसे क्या महसूस हो रहा है, देखिए किस चीज का आभास हो रहा है, झूला झूल रही है डाली, तो झूलते हुए इसे ऐसे लग रहा है कि डाली भी जो है वो साथ साथ झूल रही है, झूल रहा है पत्ता पत्ता और हर एक पत्ता जिस पेड़ पर झूला बंधा हुआ है उसका हर एक पत्ता भी साथ ही झूल रहा है, इस झूले पर बड़ा मजा है, अब उस बालक को इस झूले में बहुत मजा आ रहा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब वो बालक क्या बोल रहा है झूले को कि मुझे दिल्ली और कलकत्ता ले चलो, उस झूले पर बैठकर वो दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। अब अगली पंक्ति पे आते हैं बच्चों, अब उसे क्या, अब उस बच्चे को और क्या लग रहा है झूले पर बैठकर, झूल रही नीचे की धरती, अब उस बालक को क्या लग रहा है कि नीचे जो धरती है वो भी उसके साथ साथ झूलती जा रही है, झूलती जा रही है, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। अब बालक जो है झूले को कह रहा है कि और उड़ो, और दूर तक जाओ, और ऊपर जाओ, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश जो है वो रिमझिम रिमझिम बरसती है ना, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो बालक क्या कह रहा है, उड़कर मैं लूटूं दल बादल, तो जिस बादल से बारिश रिमझिम गिर रही है मैं उसे जाकर लूट लूं, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। प्यारे बच्चों, अब हमने कविता का मतलब यानी अर्थ जान लिया है, तो इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं जैसे झूला, आसमान, डाली, दिल्ली, कलकत्ता, देखिए मैंने आपके लिए इन्हें रेखांकित कर रखा है, तो आप इन शब्दों को बच्चों अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या अपने पुस्तक में ही रेखांकित करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बच्चों अब कविता में जो कठिन शब्द आए थे उनका हम अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द देखिए डाली। अच्छा तो बच्चों डाली क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर एक डाली का चित्र मैंने आपके लिए बनाया है, ये देखिए यहाँ पर एक डाली का चित्र दिया हुआ है। डाली क्या होती है, पेड़ की जो डालियां, पेड़ से लगी हुई जो डालियां होती है या जो पेड़ का जो लगा हुआ हिस्सा जो है जिस पर पत्तियां लगती है उसे हम डाली कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, झूला, झूला तो हमने देख लिया ना, झूला कहाँ है ये देखिए, झूला देखिए ये मेरे पास एक पेड़ रखा हुआ है ना, एक पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ के इस हिस्से को हम डाली कहते हैं जिस पर पत्तियां लगती हैं और फल लगते हैं, तो पेड़ के इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, डाली, और झूला जो है वो पेड़ के डाली यानी इस हिस्से में बांधा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा शब्द झूला। झूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, झूला कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, देखिए यहां पर एक झूले का चित्र दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आसमान।
ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और इस पर एक देखिए यहाँ पर आसमान बना हुआ है ना, और इस पर बादल भी आपको दिख रहा है। तो ये जो है हिस्सा, इसे हम आसमान कहेंगे। आसमान नीले रंग का होता है, आसमान में हमें सूरज नजर आता है, चिड़िया उड़ती हुई नजर आती है ना, सुबह के वक्त हमें आसमान जो है वो और साफ नजर आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिमझिम। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना रिमझिम, रिमझिम क्या होता है, जब बारिश झम 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 गिरती है, बूंद बूंद गिरती है, उसे हम क्या कहेंगे, रिमझिम करती है ना। तो यहाँ देखिए एक बारिश जो है, एक बादल का चित्र बना हुआ है और उसमें से बारिश रिमझिम रिमझिम गिर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बादल। ये देखिए यहाँ पर एक बादल का चित्र दिया हुआ है और ये बादल देखिए हंस रहा है। हमें बादल सवेरे के वक्त नजर आता है ना आसमान में, और बादल जो है वो सफेद रंग का हो सकता है, हल्के नीले रंग का हो सकता है। बादल जो है हमें वर्षा देती है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए धरती। अब हम फिर से इस चित्र में आते हैं, यहाँ तो ऊपर आसमान दिया हुआ है और नीचे क्या है, हरे हरे रंग की क्या नजर आ रही है, धरती। धरती पर हम खड़े होते हैं ना, धरती हमें जो है एक नींव देती है। तो ये जो है क्या हो गया, धरती। हम कहते हैं ना धरती हमारी माता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली और कलकत्ता। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि झूला, ये जो शब्द लिखा हुआ है, झूला लिखा हुआ है ना, तो देखिए मैंने झूला जो शब्द है उसमें झ वर्ण जो है वो अलग रंग से लिखा हुआ है। तो हम क्या बता सकते हैं, झूला जो है वो झ वर्ण से शुरू होता है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर झ लिखा हुआ है। अच्छा आगे देखिए, शायद ये तो झ आपको कुछ अलग लग रहे होंगे, यहाँ पर इसके सर पर एक टोपी सी बनी हुई है। तो बच्चों बताइए ये कैसे लग रहा होगा, आप अनुमान लगाइए ये किस चीज की तरह लग रहा होगा। मुझे तो देखिए इसमें कुछ एक टोपी नजर आ रही है लाल रंग की, और नीचे जो है वो कुछ दाढ़ी जैसा नजर आ रहा है, और जैसे जोकर की नाक में बिंदी होती है ना, वैसे यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो आप भी सोचिए बच्चों ये क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए ये क्या हो सकता है। तो झूला शब्द जो है वो झ वर्ण से शुरू होता है। अब हम झ वर्ण से और कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं वो देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम चर्चा कर रहे थे ना कि झ वर्ण से और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो झ वर्ण से बनाए जाते हैं। देखिए पहला है झरना, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। दूसरा है झ से झरोका। झरोका क्या होता है, जहां पर आप खड़े होके हवा ले सकते हैं ना, आपके घर में भी होगा झरोका, जिससे बढ़िया सी मजेदार हवा आपके घर के अंदर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झमझम यानी पानी बरसने की आवाज। जब बारिश गिरती है तो झमझम झम आवाज आती है ना बच्चों, तो झ से झमझम। अब आगे देखिए, झ से झगड़ा। झगड़ा करना बुरी बात है बच्चों। देखिए ये दो व्यक्ति जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है, लेकिन आप जो है वो घर पर झगड़ा बिल्कुल ना करें, किसी से भी ना करें, और सबसे प्यार और शिष्टाचार से रहे बच्चों। तो देखिए हम झ से फिर से देखते हैं सारे शब्द। ज से झरना, झ से झरोका, झ से झमझम, झ से झगड़ा। देखिए बच्चों यहाँ पर झ से और भी शब्द दिए गए हैं। झ से झंडा, हमारे भारत देश का झंडा। और आगे देखिए, झ से झरना, फिर झ से झाड़ू। हम घर पर झाड़ू लगाते हैं ना, आप लगाते हैं, मम्मी लगाती है, तो झ से झाड़ू। और ये तो हमने पढ़ा ही है, देखा है, झ से झूला, झंडा, झरना, झाड़ू और झूला। देखा बच्चों, तो झ से किन किन तरह के शब्द होते हैं या किस तरह के शब्द होते हैं। तो जब हम झूले की बात करते हैं बच्चों, देखिए अलग अलग प्रकार के झूले होते हैं। कुछ झूले हम घर पर ही बनाते हैं, कुछ झूले जो है वो पार्क में हमें नजर आते हैं, और कुछ झूले जो है वो हम बगीचे में बनाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के झूले दिए गए हैं। पहला झूला देखिए, ये हम घर के भीतर लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, ताकि हम इसमें विश्राम कर सके।
ये देखिए बच्चों, दूसरा चित्र देखिए, ये झूला जो है वो एक गाड़ी के टायर से बनाया हुआ है। इस बालक ने उसे बनाया है और वो उस पर मजे से झूल रहा है। अब तीसरा झूला देखिए, ये झूला भी हम घर के भीतर या घर के आंगन में बनाते हैं या लगाते हैं। इस झूले में दो से अधिक या दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। तीसरा झूला देखिए, ऐसे झूले हम ज्यादातर पार्क में देखते हैं, ऐसे वाला झूला और ऐसे वाला झूला, है ना। ये तो गोल 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 घूमता है, ये एक अलग प्रकार का झूला है। तीसरा झूला देखिए, ये जो है हम पेड़ की डाल से बांधते हैं। गांव में ज्यादातर आपको ऐसे और ऐसे झूले नजर आएंगे, है ना बच्चों। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार के झूले जो आप बच्चों देखिए। मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, झूले ही झूले। ये एक बहुत ही मजेदार अभ्यास है आपके लिए। बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, टायर, मेज, दरी, पैर वाला झूला, डाली, अलमारी, फाटक। तो इन चीजों में से आप किन किन चीजों पर झूल सकते हो। आप घर में भी बहुत सारी चीजों पर झूलते हैं ना, कभी क्या है आप टायर में झूलते हैं, कभी आप फाटक में झूलते हैं ना, अपने घर के फाटक में झूलते हैं। तो इन चीजों में से आप किन किन चीजों पर झूल सकते हैं वो हमें आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चों, टायर, क्या आप टायर पर झूल सकते हैं? तो हम टायर पर झूल सकते हैं। अच्छा, मेज पर झूल सकते हैं? नहीं झूल सकते हैं, इस पर हम नहीं झूल सकते हैं। दरी पर झूल सकते हैं? नहीं झूल सकते हैं। अच्छा, पैर वाला झूला, ये देखिए मम्मी का पैर वाला झूला, आपकी अम्मा का पैर वाला झूला, इस पर तो हम हमेशा झूलते हैं ना, और इस पर झूलने पर भी हमें बहुत मजा आता है, तो इस झूले पर भी हम झूल सकते हैं। चलिए, फाटक, इसको हम गेट भी कहते हैं, आपके घर के सामने होता होगा ना, तो इस पर भी हम अधिकतर झूलते हैं बच्चों, इस पर भी यानी फाटक पर भी हम झूलते हैं। चलिए, डाली, ये तो हमने देखा है कि झूला अधिकतर डाली पर बनाया जाता है, तो डाली पर भी हम ऐसे भी झूल सकते हैं अपने दोनों हाथों से, है ना, तो डाली पर भी हम झूलते हैं। और अलमारी पर झूलते हैं? नहीं झूलते हैं, ये हमारे ऊपर गिर सकता है, इसलिए इस पर नहीं झूलना है। तो देखिए, हम टायर पर झूल सकते हैं, पैर वाला झूला है उस पर झूल सकते हैं, फाटक पर झूल सकते हैं, डाली पर झूल सकते हैं ना, लेकिन मेज, दरी और अलमारी पर नहीं झूल सकते हैं। चलिए, आप बताइए, मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। चलिए, आपको इनमें से किस चीज पर झूलने पर सबसे ज्यादा मजा आता है बताइए, क्या हो सकता है? टायर हो सकता है, आप डाली लिख सकते हैं। चलिए आगे, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। अच्छा, कौन से झूले पर आपको झूलने पर डर लगता है बताइए। डाल पर झूलने पर भी हमें थोड़ा डर लगता होगा ना, कि हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ सकती है। कौन से झूले पर झूलने पर आपको डांट पड़ सकती है मम्मी पापा से? फाटक वाला झूला हो सकता है ना, क्योंकि अगर आप इसमें से गिर गए आपको चोट लग सकती है, इसीलिए मम्मी पापा जो है वो डांटते हैं कि इस वाले झूले पर मत झूलो, गेट पर मत चढ़ो या फाटक पर मत खड़े रहो ना, क्योंकि हमें चोट लग सकती है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको लिखना है अपनी पुस्तक में। ये प्रश्न जो है आपकी पुस्तक में ही दी गई है, पृष्ठ संख्या 12 पर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपकी पुस्तक के अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमने तरह तरह के झूले देखे ना बच्चों, तो ये प्रश्न उसी पर आधारित है। देखिए, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? देखा बच्चों, यहाँ पर अलग अलग तरह के झूले दिए गए हैं, हमने बहुत तरह के झूले देखे। कुछ झूले जो है वो आंगन में बांधे जाते हैं, कुछ झूले पार्क पर देखे जा सकते हैं, कुछ झूले हम स्कूल में देखते हैं या मेले में देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ झूलों के चित्र दिए गए हैं बच्चों, और हमें बताना है कि हमने इन झूलों को कहाँ कहाँ देखा है। पहला देखिए, ये वाला झूला देखिए, ये डाल पर जो बंधा हुआ है ये झूला, ये हमने कहाँ कहाँ देखा होगा? ये तो हमने या तो स्कूल में देखा होगा ना, स्कूल में देखा होगा, या पार्क में देखा होगा, या घर के आंगन में या बगीचे में देखा होगा ना। अच्छा, अब अगला झूला देखिए, ये झूला भी हम घर के आंगन में बांध सकते हैं, या स्कूल में बांध सकते हैं, या बगीचे में बांध सकते हैं,
अच्छा तीसरा झूला देखिए, ये ज्यादातर हम कहाँ देखते हैं? मेले में देखते हैं या पार्क में देखते हैं। ऐसे वाला झूला भी हम ज्यादातर मेले में ही देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये दो अलग अलग प्रकार के झूले हैं, ये झूले भी हम ज्यादातर पार्क में ही देख सकते हैं बच्चों। तो मैंने अभी आपको इन झूलों के बारे में बताया कि ये हम इन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो आप भी सोचिए कि आपने भी इन्हें उन्हीं जगहों पर देखा होगा। आपके उत्तर और मेरे उत्तर एक जैसे हो सकते हैं। चलिए बच्चों हम फिर से एक बार देखते हैं, मैं फिर से बताती हूँ। ये जो डाल वाला झूला है ये हम घर के आंगन या बगीचे में देख सकते हैं। ये टायर वाला झूला भी हम ज्यादातर घर के आंगन या बगीचे में देख सकते हैं। ये जो झूला है ये ज्यादातर हम पार्क में देख सकते हैं या मेले में देख सकते हैं। ये वाला झूला भी हम ज्यादातर मेले में देख सकते हैं। और ये जो दो अलग अलग प्रकार के झूले हैं ये भी हम ज्यादातर पार्क या स्कूल में देख सकते हैं बच्चों। कविता की आखिरी अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, झ वर्ण से जोड़िए। हमने झ वर्ण पढ़ा, देखा कि झ वर्ण से अलग अलग शब्द कौन कौन से होते हैं, है ना बच्चों? तो अब हमें झ वर्ण को यहाँ पहचानना है और कहाँ कहाँ और झ वर्ण दिए गए हैं उनसे जोड़ना है। तो देखिए पहला तो जुड़ा हुआ है, अब हमें दूसरा जोड़ना है। और कहाँ आपको झ दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर एक झ है और यहाँ पर एक झ है। देखिए घड़ी के कांटे की जैसे नजर आ रहा है ना आपको, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें दो और झ वर्ण मिल गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला अभ्यास देखिए, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। मैं भी कर रही हूँ, आप भी साथ साथ करेंगे। और ये जो प्रश्न है बच्चों ये आपके अभ्यास पुस्तिका में झूला पाठ में दी गई है, तो आप इसे खोलकर देख सकते हैं। जब मैं कर रही हूँ आप भी साथ साथ बिंदुओं को मिलाइए। चलिए पहला देखिए क्या दिया गया है, ये कुछ सूरज के चित्र जैसा लग रहा है ना बच्चों? तो पहला चित्र देखिए बन गया बच्चों, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये एक सूरज के चित्र जैसा नजर आ रहा है ना। अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी हमारा हो गया, ये एक फूल का चित्र है, आप चाहे तो इसमें रंग भी भर सकते हैं। चलिए बच्चों चित्र को पूरा करते हैं। ये देखिए एक पेड़ नजर आ रहा होगा आपको, ये एक पेड़ का चित्र है बच्चों। देखिए ये एक पेड़ का चित्र है, आप इसे रंग भी दे सकते हैं। अगला चित्र बच्चों ये एक बतख का चित्र दिया हुआ है। देखिए तो हमारा ये चित्र यहाँ पर तैयार हो चुका है। पहला हमने बनाया पेड़ और दूसरा ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ बतख जैसा दिख रहा है ना। तो हमने चार चित्र बनाए, पहला था सूरज, दूसरा हमने क्या बनाया एक सुंदर सा फूल, और तीसरा ये एक पेड़, और चौथा बतख। तो इन चित्रों को आपने पूरा कर लिया होगा बच्चों, आप इसमें सुंदर से रंग भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम अगले अभ्यास की ओर आ गए हैं, बिंदुओं को मिलाकर लिखिए। तो आप जो है इन बिंदुओं को जोड़िए, मैं भी जोड़ रही हूं, और अब सोचिए कि इन बिंदुओं को मिलाकर क्या बनता है। तैयार हो गया,
तो बच्चों आप भी सोचिए कि ये जो बना है वो क्या हो सकता है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, हमने बिंदु तो जोड़ लिया, पर आपको ये क्या नजर आ रहा होगा? अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि आप सोचिए कि ये क्या नजर आ सकता है ना? तो देखने में तो ये अंग्रेजी का टी नजर आ रहा होगा आपको, इंग्लिश में जैसे हम टी लिखते हैं वैसे ही आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बच्चों ये हमारे हमारी आ की मात्रा है, और ये जो नीचे दिया गया है ये री की मात्रा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमने झूला कविता पढ़ा, समझा और उसे गीत विधि में गाया और बहुत आनंद लिया ना। मुझे उम्मीद है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कविता, और हमने अभ्यास कार्य भी किए, बहुत सारे नए नए तरह के मात्रा सीखे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।